सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A6s और सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस के बारे में। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा। आज मैं आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर कर देने वाला हूं और आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला इस वीडियो को देखने के बाद। हालांकि सैमसंग का A6 प्लस अभी इंडिया में अवेलेबल है और सैमसंग का A6s कुछ दिनों में अब लॉन्च भी हो जाएगा, तब आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा कि हमको भाई कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, सैमसंग का A6 प्लस ले या फिर सैमसंग का A6s ले। तो अब ये वीडियो पूरा देखते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के डिज़ाइन से। तो सैमसंग का यह स्मार्टफोन है दोनों, लेकिन डिज़ाइन आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A6s की बात करें तो आपको वर्टिकल टाइप से बैक साइड में मतलब कोने में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है और ग्लास फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें सैमसंग के A6 प्लस की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्टिकल या फिर डुअल कैमरा का सेटअप, लेकिन वो बीच में मिलता है और यहाँ पर मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है। तो दोनों ही फ़ोन का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। ये आपका पर्सनल चॉइस होता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन कौन सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सैमसंग का A6s का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि ग्लास फिनिश मिल रहा है, एक नया लुक के साथ सैमसंग का स्मार्टफोन मिड रेंज स्मार्टफोन आ रहा है। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर हम लोग माने तो सैमसंग का A6s का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बेहतर है सैमसंग के A6 प्लस से। ये आप सब जानते हैं, और आप लोग का जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। तो सैमसंग के A6s में आपको मिलेगा 6 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि एक LCD डिस्प्ले होने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें सैमसंग के A6 प्लस की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और आप लोग जानते हैं कि भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले कितना कमाल का होता है, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। और LCD डिस्प्ले उसके सामने टिकेगा है नहीं। तो डिस्प्ले के मामले में सैमसंग के A6 प्लस बहुत ही आगे निकल जाता है और आपको कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है सैमसंग के A6 प्लस में डिस्प्ले की बात करें तो। तो अगर आपको डिस्प्ले अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आपको सैमसंग के A6 प्लस की तरफ जाना चाहिए। हालांकि सैमसंग का A6s का भी जो डिस्प्ले है वो LCD डिस्प्ले है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन सुपर एमोलेड से अगर हम लोग कंपेयर करें तो आप लोग जानते हैं कि सुपर एमोलेड ही आगे निकलेगा। तो आप लोगों का वो अपना चॉइस बन सकता है। बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर की। तो सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस में आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट। वहीं अगर हम लोग बात करें सैमसंग के A6s की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट। तो नो डाउट सैमसंग के A6s में आपको कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, चाहे वो गेमिंग हो, मल्टीटास्किंग हो। हालांकि सैमसंग के A6 प्लस में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450, वहाँ भी वो ठीक ठाक काम कर देगा, डेली टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन कंपेयर करें तो यही आगे निकलेगा। हालांकि अगर आप थोड़ा मोटा गेमिंग खेलते हैं तो सैमसंग का A6 प्लस का जो चिपसेट है 450 वो आराम से हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर पूरा हैवी गेमिंग खेलते हैं तो आपको दिक्कत बहुत ही आने वाला है। तो ये आप सोच समझ के लीजिएगा। बात करते हैं रैम की। तो सैमसंग गैलेक्सी A6s में आपको मिलेगा 6GB का रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 6GB का रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सैमसंग के A6 प्लस की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4GB का रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, ये एक ही वेरियंट के साथ आता है और इसको भी आप माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आपका पर्सनल जो है कि आपको ज़्यादा रैम चाहिए तो आपको सैमसंग के A6s की तरफ जाना चाहिए। बात करते हैं तो एंड्रॉयड का ऑडियो दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। डुअल सिम फोन है, माइक्रो एसडी कार्ड के लिए आपको अलग से स्लॉट मिल जाएगा, तो ये आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं आएगा। बात कर लेते हैं कैमरा की। तो सैमसंग के A6s में आपको मिलेगा 12+5 MP का डुअल रियर कैमरा, 12 MP में आपको मिल जाएगा f/1.8 का अपर्चर। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 24 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, तो एक अच्छी बात है। वहीं अगर हम लोग बात करें सैमसंग के A6 प्लस की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16+5 MP का डुअल रियर कैमरा, 16 MP में आपको मिल जाएगा f/1.7 का अपर्चर और साथ में आपको फ्रंट फेस मतलब सेल्फी के लिए 24 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिल जाएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं सैमसंग के A6s का कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है। अब वो इंडिया में आएगा तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोनों ही फोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा और फेस लॉक तो मिल ही रहा है, तो इसके बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोनों ही फोन डुअल 4G वोल्टेज को सपोर्ट करता है,
डुअल 4G वोल्टी को सिर्फ सैमसंग के A6s सपोर्ट करता है। अभी तक सैमसंग के A6 प्लस में वो अपडेट नहीं आया है, लेकिन अगर अपडेट आया था तो डुअल 4G वोल्टी को वो भी सपोर्ट करने लगेगा। ब्लूटूथ का 4.2 आपको सैमसंग के A6 प्लस में मिलता है, जबकि ब्लूटूथ का 5 आपको सैमसंग के A6s में मिलता है। तो सैमसंग के A6s की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट चीज़ें देखने को मिल जाती है। जिस तरह से सैमसंग का A6s USB टाइप सी पोर्ट को सपोर्ट करता है, जो कि A6 प्लस नहीं करता है, NFC भी सपोर्ट करता है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो फास्ट चार्जिंग भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। और फास्ट चार्जिंग से ज़्यादा है कि बैटरी कितना एमएच के मिलता है आपको, तो सैमसंग के A6s में आपको मिलेगा 3300 एमएच की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें सैमसंग के A6 प्लस की, तो 3500 एमएच की बैटरी मिले, थोड़ा बैटरी ज़्यादा है, लेकिन ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए सैमसंग के A6s में आपको कुछ बेनिफिट चीज़ें देखने को मिलती है, जिस तरह से फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, साथ में USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, साथ में आपको ब्लूटूथ का 5 मिल रहा है, NFC का सपोर्ट मिल रहा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, रैम थोड़ा ज़्यादा है। तो ये देखिए आपका खुद का चॉइस है कि आपको कौन सी तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो सैमसंग का A6s यहाँ पर पूरी तरह से विनर बन जाता है। अब बात करते हैं कि भाई देखो सैमसंग का A6 प्लस आपको इंडिया में अवेलेबल है 18,990 रुपीज़, मतलब 19,000 में सैमसंग का A6 प्लस इंडिया में अवेलेबल है। और अगर सैमसंग गैलेक्सी A6s को लॉन्च करता है, देखिए अगर 21,000-22,000 में लॉन्च करता है तो कंपटीशन होगा, और अगर सैमसंग उसी स्मार्टफोन को सैमसंग के A6s को अगर 26,000 में लॉन्च कर देता है तो फिर कंपटीशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सैमसंग अगर सही प्राइसिंग रखे, 22,000-21,000 रखता है, तो भाई हम सोच सकते हैं कि भाई हमको कौन सा स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्राइस रख देता है तो फिर कंपेयर करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब देखते हैं कि सैमसंग इस स्मार्टफोन को कितना जल्दी लॉन्च करता है और कब करता है, ये भी हम लोग देखने वाली बात होगी। जब भी आता है ये स्मार्टफोन, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। और आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मतलब आपको अगर लेना होता तो आप कौन सी फ़ोन की तरफ जाते हैं। हालांकि पूरा स्पेस मैंने आप लोगों को बोल दिया, तो डिजाइन के वाइज, परफॉर्मेंस के वाइज आप कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।